नमस्ते बुरहानपुर, एलएन का ऑफलाइन सेंटर अब ट्रायम्फलार्ट एकेडमी बुरहानपुर में भी, जहां क्लास 6 से ही हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है एवं उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे ओलंपियाड्स, जेईई एवं नीट के लिए तैयार किया जाता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पिछले 4 दिन से जो तापमान का पारा है वो 46 डिग्री है। तेज धूप है, तपती धूप है, यहाँ पे बेहाल करने वाली धूप है। लेकिन आज शाम को अचानक ही मौसम में परिवर्तन आया और शाम को 4 बजे अचानक तेज आंधी तूफान चलने लगा, जिसके बाद यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में केले की फसल आड़ी हो गई। आप लगातार वीडियो में देखिए किस तरीके से केले की फसल है जमीन पर सो गई है। यहाँ पे तेज आंधी तूफान से बारिश भी हुई है, यहाँ पे होर्डिंग भी गिर गए हैं, काफी बड़ा नुकसान जताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आप लगातार वीडियो में बने रहिए, देखिए किस तरीके से नुकसान हुआ है। इसमें दरियापुर, खासकर दरियापुर है, इस क्षेत्र में ज्यादा आंधी तूफान का कहर था। यहाँ पे केले की खड़ी फसलें गिर गई है, बारिश हुई है, आंधी आई है, तूफान आई है। अब लगातार हमारे साथ हमारे वीडियो बने रहिए। इसी के साथ शहर में लगे हुए होर्डिंग भी गिर गए, लालबाग रोड पे ताप्ती हॉस्पिटल के पास एक होर्डिंग गिर गया है, इसमें बाल बाल युवक बचा है। इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें, 3 पत्रकार संगठन है बुरहानपुर में, रिजवान अंसारी है, उमेश जंगाले है, तफज्जुल हुसैन मरामवाला है। इन लोगों ने मुंबई में हुए हादसे के बाद चेताया था, जिसके बाद यहाँ पर नगर निगम ने अल्टीमेटम दिया है। नगर निगम केवल अल्टीमेटम ही दे रहा है, जिसके बाद भी अभी होर्डिंग लगे हुए हैं। आज ये आंधी तूफान से होर्डिंग गिर गया और इसमें एक युवक की जान जाते थे बच गई, ये बाल बाल बच गया। अभी भी नगर निगम को मुस्तैद होना चाहिए और सख्त होकर इन अवैध होर्डिंग को हटाना चाहिए, जो दुर्घटना के अंदेशा बन सकते हैं, जो हादसे का कारण बन सकते हैं। बहरहाल आप लगातार हमारे वीडियो बना रही है, देखिए हमारी खबर, हमारे साथ हमारी खबरों को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं, इसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। ये शिकायत पे कॉग्निजेंस लिया है और जो मुंबई का घटनाक्रम था वो भी उनको संज्ञान में था, तो उसके आधार पर शहर में अभी वर्तमान में जितने भी होर्डिंग्स लगे हैं, सभी जो अनुमति प्राप्त हों या बिना अनुमति के, सभी को हटाने के लिए नोटिस जारी हो गए हैं और उनको क्रमशः हटाने की कार्रवाइयाँ भी निगम ने प्रारंभ कर दी है। पहली अपेक्षा ही की गई कि जिनके होर्डिंग स्वयं के हैं उसे हम हटाएंगे। नगर निगम अधिनियम में आउटडोर मीडिया रूल्स बने हुए हैं, जिसमें व्यवस्थित तरीके से और सुरक्षित स्थानों पे, जो यातायात के हिसाब से भी सुरक्षा सुरक्षित हों और जो जन स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित हों, ऐसे स्थानों पर विधिवत होर्डिंग लगाने का प्रावधान है। तो अभी जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त होगा, MIC की मीटिंग में हमारा ये प्रस्ताव आउटडोर मीडिया रूल्स के हिसाब से होर्डिंग लगाने का जा रहा है और इसकी स्वीकृति लेके नए सिरे से होर्डिंग्स की अनुमतियां दी जाएंगी। लेकिन उसके पहले जो भी पुराने होर्डिंग्स लगे हैं उन सभी को हटाने की कार्रवाई निगम स्तर पर चलेगी। सर, इसमें जैसे कुछ ये भी हमको जानकारी लगी कि जो मकानों पे बिना अनुमति के जो एडवर्टाइज वगैरह कर रहे, जो विज्ञापन कर रहे, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स वगैरह? डेफिनेटली आउटडोर मीडिया रूल्स में इन बातों का भी प्रावधान है कि किसी भी विज्ञापन के लिए, वो किसी के मकान की दीवार हो, किसी के बाउंड्री वॉल हो, और जो दुकानों पे एक निर्धारित साइज का बोर्ड होता है उसके अलावा अन्य तरह के सभी जो विज्ञापन हैं वो निर्धारित शुल्क आरोपित करने के बाद ही लगाए जा सकते हैं और उसकी विधिवत निगम से अनुमति लेनी चाहिए। और हमने अपनी एजेंसी के मार्फत ये सारा सर्वेक्षण भी शहर में करा लिया है कि किन किन जगहों पे इस तरह के विज्ञापन लिखे हैं, उन सब में भी निगम की अनुमति और निगम को शुल्क देय होगा, ये सभी विज्ञापनदाताओं के लिए बात। सर, इसमें जो अभी होर्डिंग हटाने वाले, जैसे नए पुराने अवैध और वैध, तो वो उसकी कितनी संख्या हो सकती है कुल? ये लगभग 124 होर्डिंग्स हैं शहर में जो अनुमति प्राप्त थे। इसके अलावा कुछ 24 के आसपास अवैध होर्डिंग थे जिनको अभी बीच में हम हटा चुके हैं। तो मोस्टली अभी जो बचे हैं वो अनुमति प्राप्त होर्डिंग हैं, तो इनकी अनुमतियां भी हम निरस्त कर रहे हैं और उनको भी हटाने के लिए नोटिस दिए गए। सर, इसके बाद में जो होर्डिंग लगाने की जो प्रक्रिया, तो वो उसमें कितने होर्डिंग लगाने की निगम अनुमति देगा? हाँ, इसके लिए एक विशेषज्ञ संस्था से हमने एक सर्वे कराया है और शहर में लगभग 75 लोकेशन ऐसी अलग अलग स्थानों पर उन्होंने चिन्हित की हैं जो जन सुरक्षा और यातायात के हिसाब से होर्डिंग लगाने के लिए उपयुक्त हैं। और कोशिश ये रहेगी कि इन स्थानों पर भी हम यूनिपोल्स लगाएं और इन यूनिपोल्स का जो स्ट्रक्चर है वो किसी प्रॉपर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से अप्रूव्ड हो, ताकि वो जन सुरक्षा के हिसाब से कहीं खतरनाक ना हो, आंधी का बोझ झेल सके, ये सारे सुरक्षात्मक प्रावधान भी किए गए। सर, जैसे इंदौर के अंदर बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।